मधेपुरा सदर प्रखंड अंतर्गत भराही थाना क्षेत्र के पीपरपत्ता गांव में शुक्रवार की शाम सड़क हादसे में एक 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पीपरपत्ता वार्ड 10 निवासी शंभू प्रसाद यादव के पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई। बताया गया कि आयुष किसी रिश्तेदार के साथ ई रिक्शा पर चदरा लेकर सिंहेश्वर से अपने गाँव पीपरपत्ता जा रहा था। इसी दौरान गोढेला से पीपरपत्ता जाने वाली रोड में पुल के समीप ई रिक्शा पलट गया। इस हादसे में ई रिक्शा पर बैठा आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया। अत्यधिक रक्तस्राव होने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं उसके रिश्तेदार को भी हल्की फुल्की चोटें आई। घटना के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने ई रिक्शा के नीचे से आयुष के शव को बाहर निकाला और घटना की जानकारी पुलिस को दी। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुल के दोनों ओर पर्याप्त मिट्टी नहीं दिया गया है, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई है। लोगों ने निर्माण एजेंसी के खिलाफ विरोध जताया और उस पर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि आयुष दो भाई में छोटा था, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। आयुष की मां सदमे में है। वह इस मामले को लेकर भराई थाना अध्यक्ष मनोज कुमार बच्चन ने कहा कि सड़क दुर्घटना में एक बालक की मौत हुई। पुलिस कागजी प्रक्रिया पूरी कर सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। मामले की जांच की जा रही है। सिंहेश्वर से टीना खरीद के आ रहा था टोटो से, उसके बाद यहां जब गाड़ी ड्राइवर चलाया तो एक बार गाड़ी स्लिप हो गया। स्लिप होने के बाद वो बच्चा को उतारा नहीं और फिर से ऐसे ओवरलोड में चढ़ा रहा था एक तरह से, और यहाँ पे गाड़ी जो है पिछला भाग पर से उसका पलटी मार दिया। इस कारण से बच्चा का सर दबा गया पुल लेके, वहाँ पे बगल में एकदम से एक्सीडेंट हो गया, वो डेट हो गया। कहाँ का ड्राइवर था? सिंहेश्वर में किसी को ऑटो किए दो लेके आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? इधर क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। जो डेट किया उसका क्या नाम? मेरे भैया के बेटा है। अच्छा, उसका घर कहाँ? मेरे घर के बाहर पीपरपत्ता ही है। उसका पिताजी का क्या नाम है? शंभू कुमार यादव। उसका घर कहाँ? पीपरपत्ता वार्ड नंबर 10। यहाँ पर टेम्पो पलटी हुआ, वो आदमी मर गया, हम लोग भाग गया ड्राइवर, इधर सीधा भागा इधर मक्के खेत में। हाँ, अब इसको हम लोग उठाते हैं कि उसको ड्राइवर को पकड़ते, और ड्राइवर भाग गया, हम लोग जहाँ तक हुआ इसको उठाए, ठीक है, नहीं उठा बेचारा एक्सपोर्ट मर्डर हो गया। कहाँ के रहने वाले? ये पीरपता के रहने वाला है। इसका पिताजी का नाम है? इसका पिताजी का नाम शंभू यादव। अच्छा, घर कहाँ हुआ? उसका पीरपता हुआ। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 10। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार शर्मा। आपका भी घर यही है? मेरा घर है साथ में। ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि रोड का ठेकेदार, वो पुल बनाया है लेकिन डायवर्सन में मट्टी नहीं देने के कारण टेम्पो को चढ़ने में दिक्कत हुआ है, और उसी से टेम्पो पलटा और बच्चा को उटीना काट दिया है। ये FIR डायरेक्ट ये ठेकेदार पर होना चाहिए, और जिला पदाधिकारी को इस पर तुरंत संज्ञान लेके इस पर FIR करके 302 का मुकदमा चलाना चाहिए। आज किसी का बच्चा मरा, कल कोई बड़ा मरेगा, इसका जिम्मेदारी कौन होगा? ये मैं मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी और CO BDO को कहना चाहूंगा, ये हत्या है, इसका तमाम जिम्मेदारी, और कम से कम इस बच्चे को 10 लाख का मुआवजा दे, तब हम लोग शांत रहेंगे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे इसके विरोध में। जानकारी है कि कितना दिन पहले जो सड़क का ठेका लिया गया था, कितना दिन पहले उस सड़क निर्माण सड़क का जो ठेकेदारी लिया गया था, बतला देते हैं, सड़क का जो ठेकेदारी लिया गया था वो ठेकेदारी का जो काम करने का वक्त था वो समाप्त हो चुका है। फिर से कहा एक्सटेंशन किए हैं, हम लोग काम नहीं करने देते थे लेकिन कहा एक्सटेंशन किए हैं, और एक्सटेंशन के बाद भी थोड़ा मट्टी दे के फिर वो घर में सो गया। सरकार विभाग तो पैसा लेती है, काम करवाती है, इसकी जिम्मेदारी। मेरा नाम निर्मल यादव, घर पीपरपत्ता है, वार्ड नंबर 10, ये मेरे वार्ड में पड़ता है।